Hello students, today I teach you our environment. What is environment? The physical and biological world where we live is called environment. Physical means air, water, land, fire. Biological means all living things, plants, animals, microorganisms. Where we live is called environment. Environment consists of both living and non-living things. Living or non-living things milkar kya form karte hain? Environment. Let us consider structure of our earth. Our earth is covered with layer of air and that is called atmosphere. Atmosphere means thick blanket of air that covers our earth. हमारी अर्थ अराउंड 70% वाटर से कवर्ड है. जहां वाटर है ये क्या है? दैट पार्ट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ वाटर. लैंड पार्ट lithosphere, the part of the earth which consists of lands, that is lithosphere, and atmosphere, hydrosphere, lithosphere, they form biosphere. Biosphere kisse bana? Atmosphere, hydrosphere and lithosphere. The next important term is ecosystem. Ecosystem, eco means environment. क्या क्या है हमारी environment में? इस system में ecosystem means a self-contained unit of all living organisms. इकोसिस्टम में क्या है? इकोसिस्टम क्या सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है? किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम सब किससे रिलेटेड है? हम किस पर डिपेंडेंट है? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. इसमें क्या जाते हैं? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में एयर, वाटर, फायर, लैंड. नॉन लिविंग एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही ये क्या एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है. कोई भी सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और अपने आप में कंप्लीट है, अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, दैट सिस्टम इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज इंडिपेंडेंट सिस्टम, इट इज सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप में कंप्लीट है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम, सी, पॉन्ड, लेक्स एटसेट्रा. ऑल ऑफ दीज आर इकोसिस्टम्स. ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट है. इसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही टाइप के कंपोनेंट्स हैं. फॉरेस्ट की बात करते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और सोइल, मिनरल्स, एयर,
organisms, or we can say all living organisms considered together with their non-living environment. Living organisms को इकट्ठा करो. Living organisms किसी place पर survive कर रहे हैं और साथ में उनकी non-living environment है, that is ecosystem. Mountain, mountain है तो mountain क्या है? Rocks ही है, minerals है इनमें. Mountains है, वहां पर water भी है, nutrients भी है, sunlight भी है, air भी मिल रही है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप फील्ड्स. फील्ड की बात करें, गार्डन की बात करें, तो वहां पर भी क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट. एक्वेरियम खुद बनाते हैं लोग, देखते हैं मैन मेड है. फिशेस होते हैं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सी पॉन्ड लेक्स, ऑल ऑफ दीज आर वाटर बॉडीज, दे कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ओके, ऑफ द एनवायरमेंट. इकोसिस्टम इट मे बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और वी कैन से मैन मेड. नेचुरल मीन्स जो नेचर ने दिया, एंड मैन मेड इको सिस्टम. नेचुरल इको सिस्टम, मैन मेड इको सिस्टम. नेचुरल इको सिस्टम में क्या आ जाते हैं? पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, लेक्स, सी एटसेट्रा. ओके, मैनमेड में गार्डन, इंसान ही बनाता है गार्डन. एक्वेरियम फिशेस के लिए, गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड्स एटसेट्रा, दीज आर मैनमेड इको systems. Okay, components of ecosystem, what are its component? Components of ecosystem, kya hai iske component? There are two components, we can say biotic and abiotic. Biotic components and abiotic components. Bio means life, जो living है, जिनमें life है. Example, plants, animals and microbes. These are biotic components. Abiotic means organism. Abiotic components means components which don't have life. जिनमें life नहीं है, like air, water, soil, fire, minerals, etc. ये क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, एंड दीज टू काइंड ऑफ कंपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर दे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट एंड दे फॉर्म इको सिस्टम. ओके, तो इको सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन बायोटिक कंपोनेंट्स, ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें कौन कौन आते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट्स हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स, जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं, काउ, गोट, बुफेलो, डॉग एटसेट्रा, यू आर स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मीट, और वी कैन से फ्लैश ईटर्स. ओमनीवोर्स, जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. ओमनीवोर्स बोथ प्लांट
को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ओमनिवर्स, कार्निवर्स में मीट ईटर्स, टाइगर, लायन, वॉल्फ। ओमनिवर्स ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट दोनों ही चीजें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश। और वी कैन से मीट ऑफ स्मॉलर एनिमल्स। देन किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का फ्लो होता है किस तरह से, फूड चेन। फूड चेन मीन्स एक चेन है जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फूड मीन्स फूड से एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट चेन इज फूड चेन। फूड चेन मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर। फूड चेन मीन्स एक चेन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, एक सीक्वेंस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। लाइक ग्रास, ग्रास, ग्रास को कौन कंज्यूम करता है, करते तो बहुत से ऑर्गेनिज्म है, हम ले लेते ग्रास होपर। ग्रास को कंज्यूम करते ग्रास होपर, तो ग्रास को खाने पर एनर्जी मिलेगी किसको, ग्रास होपर को। ग्रास होपर को कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग। ग्रास होपर को कंज्यूम कर रहा है फ्रॉग, तो इसके थ्रू एनर्जी मिलेगी फ्रॉग को। फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है स्नेक, और स्नेक को कंज्यूम कर रहा है कोई भी बर्ड, हॉक या ईगल कह सकते हो। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सीक्वेंस है, ऐसी बहुत सी फूड चेन्स है हमारे इकोसिस्टम में। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, वन टू अनदर टेक्स प्लेस। ये एक सीक्वेंस ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, दैट इज फूड चेन, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। ऐसी बहुत सी फूड चेन है लाइक ग्रास, ग्रास को कंज्यूम करता है डियर, कौन कंज्यूम करता है डियर, डियर को कंज्यूम करता है लायन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। एंड यू नो इन आर इकोसिस्टम देर आर मैनी फूड चेन्स, सो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन्स हैं इकोसिस्टम में जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो हम उनके नेटवर्क को, उनके पीछे में जाल को कहते हैं फूड वेब। फूड वेब मीन्स इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। फूड वेब मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, बहुत सारे फूड चेन्स का नेटवर्क, दैट इज फूड वेब। इसके लिए एग्जाम्पल ले लें ग्रास, ग्रास को कंज्यूम किसने किया, ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को बर्ड, ईगल या फिर कोई भी हो सकता है हॉक। हॉक मीन्स बाज, ईगल मीन्स ची। ग्रास, ग्रास को कंज्यूम कर रहा है रैबिट, रैबिट भी करते हैं
एबिट को कौन कंज्यूम कर लेता है? रैबिट को कंज्यूम कर लेता है कोई बर्ड। ग्रास को कंज्यूम करते हैं माइस। चूहे भी खाते हैं घास को? ग्रास को कंज्यूम करते हैं माइस। और माइस को कौन कंज्यूम करता है? स्नेक। कौन कंज्यूम कर लेता है माइस को? स्नेक खा जाते हैं। ऐसे सीड ईटिंग बर्ड्स, सीड खाने वाले बर्ड्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, सीड खाने वाले स्मॉल बर्ड्स की बात करें। ग्रास को खाते हैं सीड खाने वाले छोटी छोटी बर्ड्स, और उन छोटे बर्ड्स को खा जाते हैं बड़े बर्ड्स। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ग्रास को रैबिट, रैबिट को बर्ड ने खा लिया। ग्रास को माइस, माइस को स्नेक ने खा लिया। फ्रॉग को भी स्नेक खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है। ग्रास को कौन कंज्यूम कर लेगा? यही नहीं, और भी क्या है हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ग्रास, ग्रास को डियर, डियर को लाइन। तो यहाँ देखो, यहाँ एक नेटवर्क बन गया, एक जाल बन गया। ग्रास को, ग्रास ऊपर ही नहीं, रैबिट भी खाता है, माइस भी खाता है, सीड खाने वाले बर्ड्स भी कंज्यूम करते हैं। रैबिट को कंज्यूम करता है कोई बर्ड, माइस, स्नेक कंज्यूम कर सकता है ना। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है, जाल है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है एनर्जी लेने के लिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एंड दिस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। इस सीक्वेंस में जो ये स्टेप्स दिख रही हैं, इन स्टेप्स को बोलते हैं ट्रॉफिकल लेवल्स। ट्रॉफिकल लेवल्स, ट्रॉफिकल लेवल्स मीन्स वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ट्रॉफिकल लेवल्स क्या हैं? ट्रॉफिकल लेवल्स वेरियस स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन। फूड चेन के अंदर क्या है, स्टेप्स हैं, वह ट्रॉफिकल लेवल्स, या ट्रॉफिक भी कह सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स यानी वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? वेरियस स्टेप्स हैं फूड चेन में जिन पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये कंज्यूमर्स कौन है? ऑल एनिमल्स कंज्यूमर्स में क्या आ गए?
सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। कंज्यूमर भी कई तरह के तो होते हैं, कंज्यूमर भी कई टाइप के हैं, इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी को खाएंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आते हैं हमारे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स लाइक ये क्या है प्रोड्यूसर्स, ग्रास क्या है प्लांट, क्या है प्रोड्यूसर, प्लांट्स क्या है प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर्स। ग्रास ऊपर क्या है, हर्बीवोर है, तो ये क्या है कंज्यूमर। कैसा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसको जो कंज्यूम कर ले सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कार्निवोर है। कैसा कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर। कार्निवोर तो है, फ्लैश ईटर तो है, लेकिन स्मॉल है। ये कौन है, फ्रॉग आ गया इसमें, रैबिट हो गया, माइस हो गया, ये क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इन्हें हम कह सकते हैं स्मॉल कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर। ये क्या है, स्मॉल कार्निवोर। टर्शरी कंज्यूमर में हाई लेवल क्या आ गए, टॉप कंज्यूमर्स। टर्शरी लेवल में क्या आ गए, टॉप के कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। कौन आ गए इसमें, टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, जैसे कि बर्ड, लॉयन, मैन, ये क्या है टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। तो टॉप कार्निवोर हायर लेवल पे आ गए जो कंज्यूम करते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें, बेसिकली थ्री प्रोड्यूसर्स फर्स्ट स्टेज में क्या आ गए, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, सेकंड जो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करे, फूड बनाए, प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, कंज्यूमर जो उसको खाए, सभी एनिमल्स हो गए इसमें। अब कंज्यूमर भी कई टाइप के, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स में भी स्मॉल कार्निवोर है या बड़े साइज वाला कार्निवोर है। कंज्यूमर लॉयन, टाइगर, मैन, हम सब कंज्यूमर ही है, लेकिन कंज्यूमर्स को भी जो खाए, जो डिकम्पोज करे, जो ब्रेक करे, टाइगर लॉयन मर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बॉडी ब्रेक होती है, किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कौन से स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई क्या, डिकम्पोजर। जब कोई भी डेड बॉडी होती है, कोई बड़ा कार्निवोर मरता है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, ब्रेकडाउन होने लगता है बॉडी का, ड्यू टू माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं एक बड़ी बॉडी को, कॉम्प्लेक्स बॉडी को, स्मॉल बॉडी में। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेड एंड डिकिंग प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके वेस्ट है, उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और लेस टॉक्सिक बनाते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिकम्पोज करके, ब्रेक करके सिंपल बनाते हैं। कंज्यूमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स, क्या करते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कन्वर्ट डेड एंड डिकिंग, मरे हुए, दबे हुए, रिमेन्स, अवशेष, बचे हुए, डेड एंड डिकिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मैन्योर। मैन्योर मीन्स खाद में बदल देते हैं, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को खाद में बदल देते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या बना देते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ही, इसको ब्रेक करके
क्या बना देंगे, सिंपल बना देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स। जरूरी है डिकम्पोजर्स सरवाइव करने के लिए। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा, कितना ज्यादा वेस्ट बनता चला जाएगा, डेड बॉडीज कितनी हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो डिकम्पोजर उनको ब्रेक करते हैं, उनसे मैन्योर फॉर्म करते हैं, यूजफुल सब्सटेंस में बदलते हैं, किसी ज्यादा टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंस को कम टॉक्सिक बना देते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। आप प्लांट की बात करें, कोई भी प्लांट है, प्लांट है वो एयर वाटर सोइल से क्या लेता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ होती है प्लांट की। लेकिन धीरे धीरे जब प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं अगेन पहुंचाते हैं किस तक, सोइल, सोइल एयर वाटर, सॉइल एयर वाटर तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं, मींस रिसाइकिल। सोचो अगर डिकम्पोजर ना हो तो क्या हो, प्लांट्स तो है ठीक है, धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे तो न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे। ये क्या करते हैं डिकम्पोजर, उनको रिसाइकिल करते हैं। प्लांट्स ने सराउंडिंग से लिए, एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लिए, यूटिलाइज किया उनको अपनी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। उसके बाद जब वो डिकम्पोज होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, तो वो ब्रेक डाउन होगा उनका माइक्रोब्स के थ्रू। तो उनसे न्यूट्रिएंट्स लेकर माइक्रोब्स अगेन उनकी एनवायरमेंट में फैला देंगे, एयर वाटर और सॉइल में। तो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और वेस्ट को रिमूव करते हैं। वेस्ट को कम कर रहे हैं ना, कोई भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस यूजलेस है उसको यूजफुल बना रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं। ये क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, रिड्यूसेस, डिकम्पोजर्स रिड्यूस वेस्ट। क्या करते हैं ये, रिड्यूस करते हैं वेस्ट, इन्हें कम करते हैं और स्पेस क्रिएट करते हैं, एंड क्रिएट्स स्पेस, स्पेस क्रिएट करते हैं, वेस्ट कम होगा, कचरा ज्यादा नहीं होगा, कम होगा तो स्पेस ज्यादा होगा, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई इनका नुकसान नहीं है, कंज्यूमर सॉरी। ये सब मैं आपको बता रही थी डिकम्पोजर्स के बारे में, डिकम्पोजर्स, ओके, डिकम्पोजर्स, दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोई नुकसान नहीं है इनका। फार्मर्स के फ्रेंड हैं, दे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, यील्ड क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो डिकम्पोजर्स की ये सभी क्या है, एडवांटेजेस हैं, ओके। ट्रॉफिक लेवल्स मैंने आपको बताया, नेक्स्ट है पिरामिड, ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स को पिरामिड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये क्या आ गया पिरामिड, यहां क्या है, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर में भी कौन है, स्मॉल कार्निवोर, कंज्यूमर्स, स्मॉल कार्निवोर, यहां पर लार्ज कार्निवोर्स, बड़े साइज के लार्ज कार्निवोर्स, और यहां क्या आ गए, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। सपोज ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है, स्मॉल कार्निवोर कौन है, फ्रॉग, फ्रॉग खा लेता है, लार्ज कार्निवोर फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, कौन खा रहा है, स्नेक। और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करेंगे, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंगस।
फंजाई पिरामिड की शेप में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर कौन है? प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स। नेक्स्ट लेवल पे कंज्यूमर में कौन है? स्मॉल कार्निवोर एंड लार्ज कार्निवोर। देन डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। कैसे होता है एनर्जी ट्रांसफर? कम होती जा रही है, कम
होती जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल ट्रॉफिक लेवल्स जनरली 5 मैक्सिमम 4 या 5 क्यों मिलते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते रिड्यूस होते होते बहुत ही कम बचती है या बचती ही नहीं। तो ट्रॉफिक लेवल्स कैसे पॉसिबल है? अगर लाइफ तो तभी होगी जब एनर्जी होगी, जब एनर्जी ही नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल है नहीं। ट्रॉफिक लेवल्स में जैसे जैसे हार जाएंगे तो एनर्जी का लेवल कम होता चला जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म और ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट कि कैसे फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचती है, बाकी 90% क्या हो जाते हैं, कंज्यूम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हर एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन में या फिर फूड वेब में इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को भी रिमूव करोगे तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है इसका बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत जरूरी है, हमारी एनवायरमेंट में बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। ग्रास, ग्रास को कंज्यूम करता है डियर, डियर को कंज्यूम करता है लॉयन। अगर ग्रास का ग्रास अगर डियर खत्म हो जाए तो क्या होगा, लॉयन को फूड मिलेगा नहीं, ये तो इस पर डिपेंडेंट है, नहीं मिलेगा, इधर उधर घूमेंगे, माइग्रेट करेंगे, भूख से मर जाएंगे कुछ तो, और कुछ ह्यूमन बींग्स को खाने लगेंगे और क्या करेंगे, जंगल से बाहर आकर आसपास जो दिखेंगे उन्हें खाएंगे, यही होगा, हम भी खतरे में आ जाएंगे। सपोज लॉयन खत्म हो जाते हैं, अगर लॉयन फिनिश हो गए, फूड चेन से रिमूव हो गए लॉयन, तो क्या होगा, डियर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, डियर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ग्रास खत्म हो जाएगी, वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो बाकी रहेंगे नहीं। तो एक भी फैक्टर, एक भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड चेन का कम हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है इसका बैलेंस क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ फ्रॉग, फ्रॉग नहीं रहेंगे तो स्नेक क्या खाएंगे, मर जाएंगे, और चीजें ढूंढेंगे खाने के लिए, ये इनको खाएंगे तो ये और भी जल्दी, ग्रास और भी जल्दी खत्म हो जाएगी। स्नेक खत्म हो गए तो बर्ड क्या खाएंगे, इनका खाना कम हो गया, ये इनको और भी ज्यादा खाएंगे तो धीरे धीरे ये भी फिनिश हो जाएंगे। मींस हर एक चीज सिस्टमैटिक या सीक्वेंस में है, इस फूड वेब में हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म चला जाता है, रिमूव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इको सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।